वो संसद भवन है। संसद भवन के अंदर कोई विशेष भवन, कोई विशेष इलाका नहीं जिसको कोई स्पीकर कर सकते हैं या प्रधानमंत्री कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा सुशील कुमार मोदी जी जो घूम घूम कर दिखा रहे हैं, एक चाय की टपरी बनवा लें वहां पर संसद में, और उसका उद्घाटन जाकर सुशील कुमार मोदी जी करते हैं। क्या चाहते हैं, जो राष्ट्रपति खाते होने चाहिए एकदम। हमने तो कहा ही है कि देश की संसद जनता के पैसों से जनता के लिए बनी है, जनता के लिए चलती है। नहीं भाई, अगर आप लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करेंगे तो लोकतंत्र में तो विरोध करने का तरीका है। हमें लगता है कि चिराग पासवान जी के मसले को देखने की जरूरत ही नहीं है, वरना 3 महीने 13 में तो चर्चा क्या करनी। प्रधानमंत्री जी के हनुमान होने की बात कर रहे थे लंबे समय तक, और अब कहते हैं मैं किसी का हनुमान नहीं। मेमोरी लॉस सीएम कहते हैं सम्राट चौधरी लगातार आपके जो मुखिया हैं। मेमोरी लॉस सम्राट चौधरी जी को हो गया है, वो भूल चुके हैं कि उनके पिताजी के अधूरे सपने को उन्हें पूरा करना है, भाजपा में क्यों आए हैं। बिहार में इन दिनों दिल्ली में जो नए संसद भवन का निर्माण हुआ है उसका उद्घाटन को लेकर के जो है सियासत जो है बिहार में तेज है, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो है दलील दी जा रही है। दलील की बात हम इसलिए कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है जो इतना बड़ा अगर वो जगह है जहाँ पर तमाम जगह के लोग बैठते हैं वहाँ, उसका उद्घाटन जो देश के महामहिम होते हैं उनके हाथों करनी चाहिए, मतलब राष्ट्रपति के हाथों करनी चाहिए। लेकिन ऐसे में जो है बीजेपी लगातार जो है हमलावर है, और ख़ास करके आरजेडी और जदयू पर। हमारे साथ अभिषेक झा जी हैं और इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे सर कैसे देखते हैं, क्योंकि दिल्ली में संसद भवन का जब निर्माण हुआ था उस वक्त सरकार में आप लोगों की भी पार्टी थी, उस वक्त तो ऐसी कोई बातें नहीं थी। अब इन चीज़ों पर राजनीति क्यों हो रही है, जो भाई इतना बड़ा चीज़ आप लोग कह रहे हैं जो राष्ट्रपति से करनी चाहिए, और आप लोग को ये याद दिलाया जा रहा है जो विधानसभा का जब बना करके आप लोग उद्घाटन कर रहे थे उस वक्त सीएम क्यों किए थे, उस वक्त राज्यपाल से करवाना चाहिए था। जब हमारी पार्टी उनके साथ सहयोगी के रूप में थी, हम सरकार में शामिल तो नहीं थे, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम को अगर छोड़ दिया जाए तो, उस वक्त हमें नहीं मालूम था कि इनकी मंशा यह है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ये लोग तार तार करके प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन करवाएंगे। समझना आवश्यक है ना, कैसे आप तुलना कर सकते हैं शताब्दी वर्ष समारोह में किसी एक ढांचे का निर्माण अगर होता है विधानसभा में और पूरी की पूरी संसद का लोकार्पण होता है, वो संसद भवन है, संसद भवन के अंदर कोई विशेष भवन, कोई विशेष इलाका नहीं जिसको कोई स्पीकर कर सकते हैं या प्रधानमंत्री कर सकते हैं या अन्य कोई मंत्री कर सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच हो सकती है। मैं तो कहूँगा सुशील कुमार मोदी जी जो घूम घूम कर दिखा रहे हैं, एक चाय की टपरी बनवा लें वहाँ पर संसद में, और उसका उद्घाटन जाकर सुशील कुमार मोदी जी कर दें, उनका भी शिलापट लग जाएगा, उनकी भी सहभागिता हो जाएगी। क्या चाहते हैं, जो राष्ट्रपति खाते होने चाहिए एकदम। हमने तो कहा ही है कि देश की संसद जनता के पैसों से जनता के लिए बनी है, जनता के लिए चलती है। इन परिस्थितियों में देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदय से ही, महोदया से ही इसका उद्घाटन होना चाहिए था, ताकि एक देश में सकारात्मक संदेश जाता। कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में अगर देखा जाए तो सबसे हेड वही है। आप जब किसी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाते हैं तो उनकी जाति को लेकर या अन्य चीज़ों को लेकर इतनी मार्केटिंग करते हैं, और जब सही सम्मान देने का मौका आता है तब पीछे हट जाते हैं, प्रोटोकॉल को तोड़ते हैं, इससे जनता में देश में नकारात्मक संदेश जाता है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, जो जैसे कि ये कहा जा रहा है जो इस तरह की चीज़ों को करके आप लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं जो अगर आप उद्घाटन करते हैं तो हम लोग सभी लोग बैकआउट करेंगे, कितना सही है। नहीं भाई, अगर आप लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करेंगे तो लोकतंत्र में तो विरोध करने का तरीका है, तो लोकतांत्रिक तरीकों से हम विरोध कर रहे हैं। आप हमारी बात मान लीजिए, हम लोग भी खुशी खुशी उसमें शामिल होंगे, क्या दिक्कत। अच्छा, ऐसे में विपक्षी दलों को एक करने की कोशिश जो है आपके दलों के द्वारा किया जा रहा है, खास करके आपके जो मुखिया हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में क्या लग रहा है जब बिहार में आप लोग का परिदृश्य क्या रहा है, क्योंकि देखिए बहुत सारे दलों एक साथ है, बहुत सारे दल एक साथ हैं, और ये भी कयास लगाया जा रहा है जो कई ऐसे दल हैं, अगर हम बात कर लें लोजपा रामविलास की, वो इसलिए नहीं आना चाहते हैं, ऐसा जो जानकारी छन के प्राप्त हो रही है वो इसलिए नहीं आना चाहते हैं, जो हो सकता है जो आपकी पार्टी है साथ में आरजेडी के, इसलिए नहीं आना चाहते, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों में आप क्या बिलीव करते हैं, क्योंकि देखिए बिहार की राजनीति इस वक्त बहुत ही ये होगी, आप बिहार के तरफ से जो है ये कही जा रही है कि विपक्षी एकता मजबूत होगी और जो है देश में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, कैसे देखते हैं। हमें लगता है कि चिराग पासवान जी के मसले को देखने की जरूरत ही नहीं है, वरना 3 महीने 13 में तो चर्चा क्या करनी है। कभी कह रहे थे कि मैं मोदी अपने मुमिया मिट्ठू बनने में क्या दिक्कत है, किसी ने रोका है क्या। प्रधानमंत्री जी के हनुमान होने की बात कर रहे थे लंबे समय तक, और अब कहते हैं मैं किसी का हनुमान नहीं हूँ, तो अब क्या वो करेंगे वो बेहतर वही जानेंगे, उन चीज़ों पर हम लोग जरा भी फोकस नहीं है। मेमोरी लॉस सीएम कहते हैं सम्राट चौधरी लगातार आपके जो मुखिया हैं, उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को कि अपने नेताओं के लहजे को सुधार लें, वरना अगर हम लोग खुद पर उतर आए
तो फिर इनकी राजनीतिक खटिया खड़ी हो जाएगी। जवाब किस रूप में दें, क्योंकि देखिए एक वक्तव्य ऐसा है, अगर मेमोरी लॉस सम्राट चौधरी जी को हो गया है, वो भूल चुके हैं कि उनके पिताजी के अधूरे सपने को उन्हें पूरा करना है, भाजपा में क्यों आए हैं। उनके पिता श्रद्धेय शकुनी चौधरी जी ने भागलपुर की धरती से कहा था कि मोदी जी को यहीं गाड़ देंगे। सम्राट चौधरी जी भूल रहे हैं कि उन्हें अपने पिता के सपने को पूरा करना है। हमारे साथ अभिषेक झाजी थे जिनसे हम बात कर रहे थे, इन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट अपना राय जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।